इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं पुरानी दिल्ली से, क्या कहना है आपका? आज वही बार बार सवाल हमारे सामने आ रहा है और हम भी थक चुके हैं इस सवाल को पूछते हुए कि नजीब कहाँ है, नजीब कब मिले। ये सवाल हम लोग खुद 3 साल से सबसे पूछ रहे हैं और अपने आप से भी पूछ रहे हैं कि वो एक इंसान था, उसकी बात खुद इतना परेशान है, इतनी परेशान, मतलब एक इंसान हो के भी वो उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं। कई बार उसके लिए हमने प्रोटेस्ट किया, इवन हमने CBI हेडक्वार्टर पे भी प्रोटेस्ट किया है और अब तो उन्होंने उसके लिए कोई मतलब उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना तो बहुत दूर की बात। अब उन्होंने एक नया काम शुरू किया है, काफ़ी टाइम से वो उठा के सबको अरेस्ट कर लेते हैं और बाद में छोड़ देते हैं और कोई जवाब उनके पास है नहीं। आप उसको सीरियसली ढूंढिए, एक इंसान का बच्चा है वो, कोई जीता जागता इंसान है वो, कोई एक मामूली चीज़ नहीं है कि अगर आप प्रधानमंत्री की भतीजे का पर्स खोता है, आप 6-7 घंटे में उसको कहीं से भी आप उसको पैदा कर लेते हैं। अगर आप इतना सीरियसली उस लड़के को ढूंढें तो क्या वो नहीं मिलेगा या आप उसे ढूंढना नहीं चाहते हैं? क्या मानते हैं जो इस वक्त ऐसे हालात देश के अंदर होते जा रहे हैं और वहीं बार बार ये प्रोटेस्ट होता है, बार बार ये सवाल उठ रहा है, वहीं CBI क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर रही है, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हर आदमी परेशान है आज देश में, ये कोई कहने की बात नहीं है। ये आज आप RBI का, आप PMC बैंक का हाल देख लीजिए, लोग रो रहे हैं, अपने पैसे के लिए परेशान हैं, लोग अपने पैसे नहीं निकाल सकते बैंक से। कोई बेचारा कैंसर पेशेंट है, कोई TB पेशेंट है, कोई हार्ट पेशेंट है, आज वो बैंकों के बाहर रो रहे हैं। आज अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, पूरी तरह ख़राब होकर फेल हो गई है। कहते हैं ना, जब अर्थशास्त्र पर धर्मशास्त्र हावी हो जाता है ना, उस टाइम देश बिल्कुल खोखला होकर बर्बाद हो जाता है। तो आप ये मानते हैं कि आप सभी के साथ ऐसा होने वाला है? देखिए, पता है, आज सिर्फ एक कमज़ोर वर्ग को टारगेट करके कुछ लोगों को खुश किया जा रहा है, खासकर RSS को खुश किया जा रहा है, क्योंकि उसकी नीति ही यह है, फूट करो, शासन करो, फूट डालो, शासन करो। और वो ब्रिटिशर्स उसके आका हैं, उसने उसका इतिहास आप उठा के देख लो, तो वो तो हमेशा देश के सिस्टम को बिगाड़ना चाहती है, एक खास वर्ग को टारगेट करना चाहती है। इसीलिए एक कमज़ोर वर्ग, मुस्लिम जो है, माइनॉरिटीज़ जो हैं, एक कमज़ोर वर्ग हैं। डेमोक्रेसी का मतलब उस कमज़ोर वर्ग को ऊपर लाना, उसके व्यूज़ को ऊपर लाना है। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर वर्ग को और टारगेट करके उसे दिन भर दिन नीचे लेते जाएँ। आज इन्होंने देश का माहौल ख़राब कर दिया है। आज इन्होंने, जैसे कहते हैं ना, दो भाइयों में, कभी कभी तो अपने घर में भी अगर दो भाई हों उनमें भी थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो जाते हैं, उस छोटे मोटे झगड़े को ख़त्म करने के बजाय बड़ों का फ़र्ज़ होता है उसको निपटाया जाए, बात को ख़त्म किया जाए, मगर इन्होंने उस छोटे मोटे डिफरेंसेस को, उन झगड़ों को इतना बढ़ा दिया कि लोगों को एक दूसरे का खून का प्यासा कर दिया। आज भीड़ जो है वो कभी अखलाक को, कभी नजीब को, कभी अखलाक को, कभी कारी उवैस को, कभी तबरेज को मार देती है। ये इंसानियत है? आप किसी इंसान को पैदा नहीं कर सकते, किसी में जान नहीं डाल सकते, तो उसकी जान लेने का क्या हक है आपको? अगर उसने कोई क्राइम किया, आप उसको जेल में डालिए, आप उसको सजा दीजिए, ना कि आप उसको लिंच कर देंगे, आप उसको मार मार के हिलाक कर देंगे। ये क्या इंसानियत है? देश को इस रास्ते पर जा रहा है। आज RBI से आप ना इतना, कोई पूछने वाला इन लोगों से नहीं है। ये अपने इलेक्शन कैंपेन पे कितना खर्चा करते हैं, आज ये विदेश दौरों पे मोदी जी कितना खर्चा करते हैं, वीडियो कॉलिंग नाम की एक चीज़ होती है। अगर आपको अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं, आपको फॉरेन कंट्रीज जाके अपनी आप कहते हैं कि हमें कारोबार को बढ़ाना है, हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, तो आप वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, ना कि उसके लिए इतने डॉलर खर्चा किए जाए देश के। या आप, पता है, UP में आज 5-7 हज़ार रुपये बिल बड़बड़ कर आ रहे हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है? RBI का पैसा कहाँ गया? आपने कौन से खाते में खर्च किया? कोई हिसाब है आपके पास? बस पता है ये क्या हो रहा है, कमज़ोर वर्ग को टारगेट करके लोगों को मुद्दों से भटकाया जा रहा है ताकि युवा रोज़गार ना मांगे। किसानों की आत्महत्या क्यों हो रही है, ये उनसे सवाल ना किया जाए, बेरोज़गारी पर उनसे सवाल ना किया जाए, महिलाओं के, मतलब जो महिला पीड़ित हैं, जो जिनके रेप हो रहे हैं, या महिला वीमेन सेफ्टी पर उनसे सवाल ना किया जाए। ये सिर्फ मुद्दों को भटकाकर, देश को वरगलाकर ये अपनी राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं और कुछ नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनका साफ ये कहना है कि लोगों को बरगला के, लोगों को मुद्दे से भटकाकर अपनी राजनीति की रोटियां सेकना का काम किया जा रहा है, लेकिन ये तो लोगों को सोचना होगा कि हमें सवाल करते रहना चाहिए। बेशक सवाल करने के बावजूद आपको एंटी नेशनल ठहरा दिया जाए, लेकिन सच तो यही है कि सवाल बनता है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ मैं आसिफ खान, माइनॉरिटी न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से।